से राइस का वाटर कैसे बनाते हैं, बालों को कैसे लगाते हैं प्रॉपरली, वो मैं बता रही हूँ। मैंने राइस को रात भर भिगोया, फिर इसको सुबह उठ के मैं इसको पानी निकाल रही हूँ। ये पानी चाहिए मेरे को बालों को लगाने के लिए। पानी मैंने राइस से डबल लिया है, 1 कप राइस है तो 2 कप्स वाटर लिया। इसमें मैंने बादाम तेल डाल रही हूँ, करीब 15 ड्रॉप्स। इसको मैंने छान के ये बॉटल में शिफ्ट किया। इसको मैंने एक स्प्रे बॉटल में रख दिया। ये राइस वाटर आप हफ्ते में 2-3 बार लगा दीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको ऑयल बताने वाली हूँ। वो ऑयल आपको इसके बाद ड्राई होने के बाद, हेयर ड्राई होने के बाद वो ऑयल अप्लाई कर लीजिए। फ्रेंड्स, मेरा पहले वाला ऑयल ख़त्म हो गया तो मैं फिर से ऑयल बना रही हूँ, आपको फिर से बता रही हूँ। इसमें मैं कड़ी पत्ता लिया और ये हिबिस्कस का लीव्स है और रेड कलर फ्लावर्स रहेगा तो बहुत अच्छा है। मेरे को इतना ही फ्लावर्स मिला तो इसी से मैं बना रही हूँ। तो ये लीव्स को मैं अच्छे से कट करूँगी, फ्लावर को भी कट करूँगी। और इधर पर आंवला को कट करके रखा, देखिए ये अच्छे से आंवला को ऐसे छोटे छोटे कट करूँगी। मैं इसको ग्राइंड करूँगी, कच्चा पिचा ग्राइंड करूँगी दर दरा। फिर इसमें मैंने प्याज लिया, मेरे पास ऑनियन सीड्स था पहले, तो अभी लॉकडाउन में नहीं मिल रहा तो मैं ऑनियन लिया। एलोवेरा जेल भी लिया, इसको अच्छे से छोटा छोटा काट लिया मैंने। और ये फ्लैक्स सीड्स का पाउडर मिला मेरे को, और ये मेथी पाउडर, और इसमें 1/2 किलो ऑयल चाहिए। तो ये फ्लैक्स सीड्स का पाउडर है और ये मेथी पाउडर इक्वल क्वांटिटी में ले रही हूँ, करीब 3 टेबल स्पून। और ये आंवला, ये देखिए फ्लैक्स सीड्स और मेथी पाउडर, आंवला एंड ऑनियंस, हिबिस्कस का लीव्स एंड कड़ी पत्ता। एलोवेरा जेल भी लिया इसमें, ऑयल इसके साथ आपको बादाम ऑयल भी चाहिए, वो कैसे डालना मैं बताऊँगी लास्ट में। सबसे पहले मैं आंवला और ये पत्ते को मैं दरदरा ग्राइंड करूँगी। कढ़ाई गरम हो गया, इसमें मैं तेल डाल रही हूँ कोकोनट ऑयल। इसको धीमी आंच पर ही रखेंगे पूरा प्रोसेस में। सबसे पहले इसमें प्याज डालूँगी ऑयल में, ये देखिए आंवला का मैंने दरदरा पीस के रखा और ये पत्ते को भी पीस के रखा। प्याज के बाद इसको आंवला को डालूंगी मैं, ये आंवला और ये पत्ते। लास्ट में मेथी पाउडर और फ्लैक्स सीड्स डालेंगे, स्टार्टिंग में डालेंगे तो वो जल जाएगा। ये देखिए ये अभी इसमें ये स्टेज में हम कड़ी पत्ता डालेंगे। अभी मैं धीमी आंच पर छोड़ के कम से कम 15 मिनट हो गया, ये 15 मिनट के बाद ये कड़ी पत्ता डाल दिया और इसको भी मैं अच्छे से धीमी आंच पर ही रखूँगी। एलोवेरा जेल भी लिया, इसको अच्छे से छोटा छोटा काट लिया मैंने। अभी ये आफ्टर 15 मिनट्स इसमें मैंने जेल डाल रही हूँ, एलोवेरा जेल। इसको और 15 मिनट्स रखूँगी। ये देखिए ये हो गया ऑलमोस्ट, ये तेल भी बाहर आ गया। तो मैं ये बाकी पाउडर्स भी डाल दे रही हूँ, फ्लैक्स सीड्स पाउडर एंड मेथी पाउडर। फिर इसको और 15 मिनट रखूँगी धीमी आंच पर ही। टोटल प्रोसेस मेरे को 1 आवर लगा। ये देखिए ये पूरा प्रोसेस हो गया। अभी इसको ठंडा कर लूँगी, गैस बंद कर लूँगी। इसको ठंडा होने के बाद इसका पूरा छान लूँगी, पूरा ऑयल निकाल लूँगी इसको कपड़े की सहायता से।
रेडी है। हमने इसे कांच के कंटेनर में इसको स्टोर करके रखना है। फ्रेंड्स, ये अमृत जैसा है बालों के लिए, ये ज़रूर बनाइए। इसका सुगंध बहुत अच्छा है और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। ये मेरे को कम से कम 2 महीना आता है ये तेल, 1/2 लीटर का तेल से, और मेरा 1/2 लीटर तेल पूरा आ गया इसमें। ये ऑयल लगाने के बाद नेक्स्ट डे हेयर वॉश करना है, फिर ये पैक अप्लाई करके। मैं एक हेयर पैक बना रही हूँ, ये बहुत इफ़ेक्टिव है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये कड़ी पत्ता लीजिए, अच्छे से धो के उसको सुखाएं। सुखा लिया मैंने, रखा बहुत सारा कड़ी पत्ता। ये बालों के लिए कड़ी पत्ता बहुत बहुत अच्छा है। और इसके लिए ये जो आंवला है, 3 आंवला लिया, और ये मेथी पाउडर लिया मैंने 1 टेबल स्पून, और 1 प्याज लिया, और ये एलोवेरा, ये एलोवेरा को ऐसे ही छिलका के साथ मैंने काट लिया। ओके, ये सब इंग्रेडिएंट्स को मैंने ये ग्राइंडर में पेस्ट करूँगी। इसको पेस्ट करके इसको इसमें थोड़ा सा मैं दही डाल के इसको पेस्ट करूँगी। इसमें मैंने 1/2 कप दही डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट बनाऊंगी। ये अच्छे से पेस्ट हो गया। ये हेयर पैक हमारा रेडी है। इसको बालों में लगा लीजिए, 1 घंटा रख लीजिए और शैम्पू कर लीजिए। ये बहुत इफेक्टिव फ्रेंड्स, आप ज़रूर कीजिए। कम से कम 1 मंथ को एक बार तो भी करना चाहिए हमारा बालों के लिए, और लॉन्ग ग्रोथ के लिए, और स्ट्रांग रहने के लिए, और बाल नहीं निकलने के लिए। थैंक यू। अभी देखिए, वो पैक लगाने के बाद हमको शैम्पू करना है। शैम्पू कोई भी यूज़ कीजिए, मगर कंडीशनर इससे कीजिए। चावल लीजिए, पका वाला चावल, और ये कच्चा मिल्क है, कच्चा लेना है, बॉइल्ड वाला मिल्क नहीं, और ये एलोवेरा। ये तीनों मिला के हमको ग्राइंड करके अच्छे से पेस्ट बना के फिर उसको कंडीशनर जैसा अप्लाई करना है बालों को। ये देखिए, ये ऐसा स्मूथ पेस्ट बनना चाहिए। शैम्पू होने के बाद अच्छे से बाल धो के फिर ये कंडीशनर लगा दीजिए। फिर ये कंडीशनर लगा के 10 मिनट्स रख के फिर हम हेयर वॉश कर लेंगे। ये बहुत अच्छा है एक बालों के लिए, आप ज़रूर ट्राई कीजिए इसको, बहुत बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, इसके अलावा हमको प्रोटीन लेना है इनटेक के लिए, और इसके लिए हमको पम्पकिन सीड्स, और ये वाटरमेलन सीड्स, देन ये सनफ्लावर सीड्स, पीनट्स, अखरोट, बादाम, काजू, ये सब लेना है, एवरीडे लेना है। और इसके लिए हमको एवरीडे नहीं ले पाएंगे, उसको पूरा रोस्ट करके हम पाउडर बनाएंगे, और उसमें हम ये जो नटमेग पाउडर थोड़ा सा, और ये इलायची पाउडर डाल के उसको, घी डाल के उसको लड्डू बना के खिला सकते बच्चे लोग को, या बड़े लोग, पूरा लेना है। और ये इसको अगर अदरवाइज मिल्क में डाल के ये पाउडर पी सकते हैं। ये सब मैं अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ, फिर इसके बाद इसको पाउडर बनाऊंगी। अभी ये पाउडर हो गया, इसको दूध में डाल के भी पी सकते हैं, अदरवाइज इसको लड्डू बना के भी खा सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा नटमेग पाउडर, इलायची पाउडर डालूंगी। इसको इसमें चाहिए तो आप शुगर पाउडर भी डाल सकते हैं या गुड़ भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं घी भी ऐड करूंगी, फिर इसको लड्डू बनाऊंगी। फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा मत बनाइए, इसको स्टोर करना मुश्किल हो जाता है, इसको फ्रिज में रख के खाना है। 10 डेज को एक बार बना सकते हैं। ये लड्डू आप अर्ली मॉर्निंग ले लीजिए, और कुछ भी नहीं खाने का, खाली पेट में लेना चाहिए, और ये फ्रिज में रख लीजिए बाकी लड्डू, और एक एक लड्डू एक एक दिन खा सकते हैं।